भाई क्या कहना चाहेंगे आज आप इस कार्यक्रम में, जहाँ बच्चों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनका हौसला किया जा रहा है, आज आप पहुँचे? मैं बधाई देना चाहता हूँ सेलिन डिसिल्वा फाउंडेशन की अध्यक्षा जो है जेनेट डिसिल्वा जी और उनको पूरी इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने पूरे घाटकोपर में जो एसएससी के टॉपर्स हैं बच्चे अलग अलग स्कूल्स के, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी स्कूलों के टॉपर बच्चों को उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, यहाँ पे मोटिवेशन उनको मोटिवेशन के लिए और उनको आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए आज के वातावरण में, आज के माहौल में, करियर गाइडेंस का भी साथ साथ उन्होंने कार्यक्रम रखा है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को सही मार्गदर्शन करना, सही रास्ता दिखाना, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसको जेनेट डिसोजा जी और इनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कार्य किया। ही जी पीढ़ी है ही अतिशय ज्याला आपण म्हणतो एक मी डिजिटल पीढ़ी म्हणतो नेहमी, कारण त्यांच्या हातामध्ये जगभरातला सगळ्या ज्या ह्या आहेत टेक्नॉलॉजीज ते त्यांच्या हातात आहे, त्याचा जर योग्य वापर केला तर त्यांना आयुष्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या दिशेने त्यांना जाता येईल आणि त्यांना आणि म्हणून सेलिन डिसिल्वा फाउंडेशनच्या माध्यमातून, जॅनेट डिसूजनच्या माध्यमातून जे हा कार्यक्रम या ठिकाणी फक्त एका त्यांच्या शाळेचा घेतला नाही, त्यांच्या ज्युनियर कॉलेजचा घेतला नाही, त्यांनी सगळ्या घाटकोपर मधल्या 15 शाळांच्या सगळ्या एकत्र करून या विद्यार्थ्यांना त्यांचा गुणगौरव करत आहेत, त्यांना चौधरी मोहम्मद हमीदुद्दीन हे देतात, प्रोत्साहित करत आहेत आणि त्याच्यात राजूंनी खासदार संजय पाटलांच्या मुलीने एक लॅपटॉप दिला, त्याच्यातून एक मोटिवेशन मिळतं सगळ्यांना। मला खात्री आहे की ही सगळी ही जी पिढी आहे ही देशाचं भवितव्य आहे, भविष्य आहे आणि अशा कार्यक्रमातून त्यांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन मिळेल आणि ते आयुष्यामध्ये एक वेगळं स्वतःचं स्थान तयार त्यांच्यासाठी शुभेच्छा। आता आपण सांगितलं ज्या प्रकारे पण युवा पिढी आज बघितलं तर नशेच्या आडी जास्त दुर्दैवाने खरं हे दुर्दैवाने खरं आहे, परंतु माझी सगळ्यांना तीच विनंती राहील की याच्यामध्ये या सगळ्या याच्यामध्ये सगळे आपण ह्याच्यामध्ये इन्वॉल्व झाले पाहिजेत, पेरेंट्स इन्वॉल्व झाले पाहिजेत, शाळेतले शिक्षक इन्वॉल्व झाले पाहिजेत, आम्ही आमच्या शाळेमध्ये तसं केलं, त्यामुळे अर्थात आमची गावाकडे असल्यामुळे पटकन लक्षात येतं, शहरामध्ये अतिशय कठीण या समोर दर्गा आहे परंतु तिकडे ड्रग्स मिळतात, शाळांच्या बाजूला ड्रग्स होतात, आम्ही ह्याच्या विरोधामध्ये अनेक वेळेला काँग्रेसच्या माध्यमातून मी अध्यक्ष असताना सुद्धा आम्ही अनेक वेळेला याच्या विरोधात आंदोलनं केली, तेवढ्यापुरता त्याचा परिणाम होतो परंतु त्याच्यावर कायमस्वरूपी असा बंदोबस्त होत नाही दुर्दैवाने कुठलंही सरकार असू द्या। आणि म्हणून आई वडिलांनी विशेषतः माध्यमांनी सुद्धा दुर्दैवाने मोदी के गोदी में जो बैठा हुआ आज ये जो है मीडिया वो ये नहीं दिखाता कि क्या हो रहा है इस देश के युवा पीढ़ी के साथ, मोदी क्या खाते हैं क्या पहनते हैं उससे ज़्यादा इस देश की युवा पीढ़ी क्या चाहती है और वो कैसे बर्बाद हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो मीडिया का भी इसमें रोल आएगा, हमने किया था ये सारा, मीडिया भी हमारे साथ था, एनजीओज भी हमारे साथ थे, मुंबई कांग्रेस भी ये काम किया, पर उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाए ताकि सबके माध्यम से ये बहुत बड़ी समस्या पूरे सोसाइटी में पूरे देश में हम उसका सामना करें, हम उसका उसके खिलाफ लड़ाई। सर विधानसभा चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है, सगारे श्रेया विधानसभा की विधानसभा में कहा घोषित, सगारे श्रेया सितंबर से आचार संहिता लागू होगी, बगाटे पृथ्वी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? नंबर एक का गुटबाजी देखी जा रही है, तो जानकारी लोकसभा जब तभी भी ऐसा आप लोग कहते थे कांग्रेस में गुटबाजी, फिर भी लोकसभा में कांग्रेस नंबर एक रही, यहाँ भी कांग्रेस नंबर एक रही। आज मेरी माताजी श्रीमती सेलिन डिसिल्वा जी, जिनका आज 85th बर्थ एनिवर्सरी है और उस अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे जो गुण गौरव सोहरा रखा है जिसमें हम लोगों ने सभी जो घाटकों पर पश्चिम के जितने स्कूल्स थे उनके बच्चों को टॉपर्स जो 80% के ऊपर जो बच्चे आए हैं आज उनका हम लोग ने यहाँ पे सत्कार किया है, उनको मोटिवेशन देने के लिए करियर काउंसलिंग भी रखा था और इवन
उनको अच्छे गिफ्ट्स भी हम लोग दे रहे हैं आज। मैडम, आज जैसे बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चे भी आज जिस तरीके से नशे की अभी ज़्यादा दिखाई दे रहे, एडिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे, उस पर सख्त कुछ कार्रवाई होना चाहिए ऐसा लगता है? हम लोगों ने अपने स्कूल में और हमारे जो घाटकोपर पश्चिम के सभी स्कूलों के लिए एक ड्रग्स जो नो ड्रग्स के ड्राइव भी हम लोग ने रखी है। अभी 15 अगस्त के टाइम पे हम लोग ने वो कार्यक्रम रखा है। हर स्कूल में हम लोग उसकी जानकारी देंगे और उसके जो उससे होने वाले जो तकलीफें होती हैं, चाहे वो पेरेंट्स को हो, चाहे वो बच्चों को हो, चाहे समाज को हो, ये पूरा करने के लिए हम लोग ने एक ड्राइव रखी है। लेकिन हमेशा हम लोग टाइम टू टाइम जो है ऐसे जो ड्रग्स जो स्कूल चलाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम लोग हमेशा ड्रग्स के बारे में उनको जानकारी अलग अलग लोगों को बुला के देते हैं। आज कारण ये था कि उनका पार्लियामेंट चालू था, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे मेरी कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि अगले कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे। आज उनका पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर भी था, इसीलिए वो नहीं आ पाई आज। आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव लगने वाला है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में है बहुत ही अच्छा निकला है। पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी जो है एक अच्छा यहाँ स्थान बना पाई है। लोगों को समझ में आया है कि यहाँ जो महायुति के जो लोग हैं, बीजेपी सरकार है, किस तरह से काम करती है और किस तरह से लोगों ने लोगों को परेशान रखा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो मज़दूरों की जो बात हो। और अभी अभी जो बजट निकला उसमें आप लोग ने देखा होगा कि महाराष्ट्र को एक पैसे एक कुछ भी महाराष्ट्र का एक जिक्र भी उस बजट में नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र कहाँ पे लेके जाके छोड़ेंगे ये लोगों को समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र को कोई इम्पोर्टेंस देने नहीं आ रहा है, जबकि उन लोगों ने महाराष्ट्र में यहाँ पार्टी तोड़ के अपनी सरकार बनाई, उसके बावजूद महाराष्ट्र के शिंदे और पवार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम टाइम फिश दिखाया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो मुझे लगता है लोगों को समझ में आ गया कि महायुति के को लाएंगे तो क्या होगा उनका, इसीलिए महाविकास आघाड़ी जो सरकार बनाएगी ऐसे में मैं बहुत ही होप रखती हूँ। आप काफ़ी वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय हैं, काम करते रहे हैं, आप बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं। उत्तर पश्चिम घाटकोपर जो इलाका है कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ से नितिन खान विधायक रहे हैं। आने पिछले चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस के पल्ले में सीट नहीं आई, अनंत शुक्ला जी को दी गई थी, लेकिन उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उन्हें ये सीट से हारना पड़ा। तो आप कैसे देखती हैं 2024 के विधानसभा चुनाव के घाटकोपर पश्चिम को? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ये आरोप सच है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जो वोट दिलाने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया है, लेकिन जब एक लाट थी वो पूरे मुंबई में महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए वही रिजल्ट घाटकोपर पश्चिम का आया है। सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त की कि आप भी विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे काम कर रही हैं, आप किस तरीके का काम 5 वर्षों में लोगों के बीच में किया है मैडम? अभी आप देखेंगे कि जो 15 साल से हमारे जो विधायक रहे हैं राम कदम जी, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर एक भी काम नहीं किया, चाहे वो रस्तों का काम हो, चाहे वो ड्रेनेज का काम हो, चाहे वो हमारे जो यहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, वहाँ रिटेन वॉल की बात हो, और उसके पहले नसीम खान विधायक थे और उसके पहले मेरी माता जी थी, तो आप पहाड़ पर जाएंगे तो इन दोनों का काम आज भी दिखता है। तो मुझे लगता है 15 साल में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ड्रामेबाजी की है, दही हंडी का कार्यक्रम किया है, राखी बांधने का काम किया है, लोगों को यात्राओं पे लेके जाने का काम किया है, जो कि एक MLA का काम नहीं होता है। MLA का काम होता है डेवलपमेंट और विकास, और कांग्रेस पार्टी उसी डेवलपमेंट और विकास घाटकोपर क्षेत्र में लाएगी, मैं समझती हूँ। मैडम, जितने भी स्टूडेंट जो है आज जिनको जो है पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो स्टूडेंट्स को और उनके टीचर्स और उनके स्कूल्स को क्या मैसेज दोगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि एजुकेशन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एजुकेशन जब एक जो समाज होता है उसमें अगर एजुकेशन नहीं होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, और एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं और लोगों को जो सही और गलत का डिफरेंस हम बता सकते हैं।